डॉक्टर गौरव महेश्वर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में हमारे इस खूबसूरत से गांव से। तो आज इतनी तेज बारिश है सुबह से, जैसे कि मेरे पीछे आप सुन पा रहे होंगे आवाज, कि सब इस बारिश से परेशान हैं। जैसे कि स्कूल जाने वाले बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि आज संडे है, यानी कि रविवार है। आज उनकी वैसे छुट्टी होती थी, अगर ये बारिश और दिन होती तो एक दिन की उनकी छुट्टी मिल जाती। जो फ्री फायर पबजी खेलने वाले बच्चे इसलिए परेशान हैं क्योंकि सुबह से लाइट नहीं आई है या कल रात से लाइट नहीं आई है। ये तलगोड़ा वाली बहुत इसलिए परेशान है क्योंकि कोई इनकी ककड़ी चुरा ले गया ये बारिश का फायदा उठाकर। सुंदर सुकुमार सी एक नई नई ककड़ी यहाँ पे लगी थी इनकी बेल में। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हो गई है गौरा महेश्वर की पूजा के लिए, क्योंकि आज जैसे कि गौरा महेश्वर की पूजा का दिन निश्चित था, लेकिन आज कल रात से ही इतनी भयंकर बारिश है कि आज वो सब करना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे कि बहुत धूमधाम से यहाँ गौरा महेश्वर का उत्सव मनाया जाता है और आज पूजा के दिन वहाँ गौरा महेश्वर का डोला उठता है, उसके बाद पूजा पाठ होती है। बाहर से सब बहन बेटियां यहाँ आती हैं आज के दिन अपनी मनोकामना मांगने के लिए, और साथ ही जो फल उछालने इत्यादि बहुत सारे यहाँ पर, मतलब बहुत आनंद वाला उत्सव होता है। झोला चांची होते थे लेकिन ये बारिश में सब मुश्किल हो गया है, और यहाँ तक कि प्रसाद बनाना भी, मतलब सबके लिए यहाँ प्रसाद भी बनाया जाता है आज, और वो बनाना ही मुश्किल हो रहा है इस बारिश में। तो चलिए, अभी तो मतलब दोपहर हो रही है, देखते हैं बाकी अगर दिन तक थोड़ा सा शाम तक कम हो जाए तो। पुरंदर लोगों के घर में जो गमारे बनाए गए हैं वहां से डोला उठ के हमारे जो होरी खोला है, होरी का आंगन, वहां तक ले जाते हैं, वहां पे पूजा होती है वैसे। तो अब देखते हैं बारिश में किस तरह से हो पाता है। फिलहाल तो हम जा रहे हैं जो प्रसाद वगैरह बनाने की तैयारी है उसके लिए, और वहां पर डोले की भी तैयारी चल रही होगी, महिलाएं उसकी तैयारी करती हैं। बाकी तैयारी आपको वहीं चल के दिखाते हैं। ओ काकी, हेटा हिट गोरा कोतिका जनू वाली हिट है ये आइया ने। चलो बामन जी भी आ गए हैं, बोल फिर चाची भी तैयार हो रही है। अच्छा काकी कह रही है 2 लाख जो चाहे यूं पड़ जाओ, मैं जाऊंगी। उन्होंने कागज चुरा ली वाल का पहले। बारिश के मौसम में लग रहा है यहाँ पर नाव बना के अंदर आना पड़ेगा चाचा लोगों के साथ। हाँ तो यहाँ बन रहा है प्रसाद की तैयारी चल रही है, यहाँ पे आलू छिले जा रहे हैं चाचा लोग। 3 के 3 चाचा मेरे लगे हुए हैं अभी। चाचा मूली आलू आलू ये सब्जी बनेंगी प्रसाद में। यहाँ पर हो रहा है डोले की तैयारी, डोला बनाने की तैयारी। इधर पे नवग्रह पूजा और यहाँ पर चलने सर बनाकर ये आ गई है भाविका भट्ट, दीपा भट्ट। गौरी महेश्वर जी की प्रसन्ना सूर्य अर्घदान सामग्री आवाहन ओम सूर्यदेवाय नमः। आसनाते पुष्पम आदियो पाद्यम समर्पयामि हस्तयो आर्यम ओम नमो सूर्याय भूतवाय नमः। अक्षदे आवाहन अक्षदा सुदान गणेश जी को बुलाला विनायक नमस्ते उमा नमः समर्पय। अतिवृष्टि के रुझान आने शुरू हो गए हैं यहाँ। कैंजा लोगों के केला का एक चाका गिर गया है यहाँ पर, केला का बोटा। ओ कैंजा कैंजा बेचारी बटोर के ले जा रही है अभी से, कहाँ तो अरमान थे केले खाएंगे इसमें से लगेंगे तो हैं। गणेश उछल ला गणेश कुछ होए होए। कैंजा के केला का बोटा टूट गया है अभी अभी, ये मेरा सामने सामने टूटा था कैंजा। देखी ना रे ना देखी ने अरे देखो ये सुमित अपने घर से देख रहा है वहां से सुमित और दीपू। तो आज मैं और मेरी छाता की दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो रखी है। तो अब पहले डोला सजाया जा रहा है और जब पूजा पाठ हो जाएगी तो उसके बाद डोला निकलेगा।
साथ ही फिर हरिखोला की तरफ डोला जाएगा। वहां पर जो भी पिछले तीन चार दिन में जो फल फूल वहां पे गौरा मैया को चढ़ाए गए थे, गौरा महेश्वर को, उनको फिर उन फलों को ऊपर को उछाला जाता है और जिसको मतलब वो कैच जो कैच कर लेता है, जो पकड़ लेता है, जिसके पास वो खुद ही पहुंच जाते हैं मतलब ऐसे ऊपर उछालने में, तो उसको सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है उन फलों को गौरा मैया का प्रसाद मान के। और उसके बाद झोड़ा चांचरी वगैरह तो अब यहाँ पर पहले बाहर खिलाएंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद हमारे हरिखोला को जाएगी। वो युगु जी, वो राजू, वोट कहाँ लग गया है? Come on!
तो अब जा रहे हैं गौरा मैया और महेश्वर के विसर्जन के लिए। इस प्रार्थना के साथ की गौरा मैया अगली बार फिर आना और सभी के जो मनोकामना है उनको पूरी करना, सभी के कष्टों को दूर करना। ओ जानी गौरा तू ओनी रे हमारी तू खेलने उना ओ खेले खेलना थाली वरदाई भाई हमारी तू खेलने उना खेले खेलना थाली वरदाई हमारी तू खेलने ओ हमारी तू खेलने ओ रामी चंद हमारी तू खेलने मेरी तू खेलने ओ रामी चंद हमारी तू खेलने ओ जानी गौरा तू ऊनी रे हमारी तू खेलने ओ जानी गौरा तू नीरे हमारी तू खेलने ओ हमारी तू खेलने ओ अब यहाँ पर फल उछालने की तैयारी हो रही है वर देने की। इस रस्म के लिए सब में बड़ा उत्साह रहता है जो आए रहते हैं क्योंकि सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है फलों को पकड़ना कैच करना। आई जाते कली जगह ही आना है। हाँ आ गया आ गया आ गया एक आ गया मेरी पकड़ में तो साथ बंद कर दीजिए। ये ऊंचा गया है ये चाची को 8 मिली। चाची मैंने यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा चाची नीचे जाओ वहाँ मिलेंगे। 8 मिले थे। हाँ चाची को 8 मिले पूरे। 2-3 तो मेरे पास ही आए हैं यहाँ पे। बड़ी मिल लगी है ये 2-2 4-2 6-2 8
ये बेचारे पहले वहाँ पे खड़े थे नीचे, वहाँ से जैसे यहाँ पे आए वो फल ही खत्म हो गए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ये भाई ने कहीं सड़ न जाए करके इन्हें खा दिया है, इन्हें खा दिया है ये, इसने पूरा पेट भर लिया। ये भाई छाता उल्टी कर रहा था, ये नहीं कि औरों को लेने दूं। ओ हमारे हाँ ये राजू राजू आप भीगेंगे तो भीगेंगे, थोड़ा गाय लेते हैं। ये है बिरुड़े और सेब का प्रसाद। वो काकी है तो छत देखो तो सही, ओ यू भाभी देखो हमारे साथ अब इसके बाद प्रसाद ग्रहण है, प्रसाद ग्रहण है। चलो भाई तो अब यहाँ पर प्रसाद पूरियाँ तली जा रही हैं, वो सब्जी बन के तैयार है, है? इसका प्रसाद इसका चाहते सही एक बार, अरे चाहते सही ये शर्मा हमारे शर्मिले दादा है और कहा हाँ ये चाचा लोग पूरियां वो करने लगे हैं हमारे नेताजी और चाचा लोग। और यहाँ पर लोग कन्या और बच्चे प्रसाद ग्रहण करने भी लग गए हैं एक तरफ से। बोल गौरा महेश्वर की जय, पीछे अरे जय को कुनी को बोल गौरा महेश्वर की थोड़ी बोल गौरा महेश्वरू की।